जब भी बात आती है ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी जगहों की जहां पर जीवन का पनपना संभव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा अपने सौर मंडल के बाहर किसी जीवन की उपलब्धि वाले ग्रह को खोजने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हम लोगों को अपनी धरती से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां पर जीवन का आकार लेना संभव होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा की। वैसे तो जब भी बात आती है धरती के अलावा किसी और ग्रह को अपने घर के रूप में स्वीकारने की, तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल मंगल ग्रह का ही आता है। पर मंगल ग्रह से 55 करोड़ किलोमीटर दूर मानवता की एक और आशा की किरण बेसब्री से हमारे आगमन का इंतजार कर रही है। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा की। वैसे तो हम जब भी किसी चंद्रमा की कल्पना करते हैं तो हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि चंद्रमा एक ऐसी गोलाकार ब्रह्मांडीय वस्तु होती है जिसकी सतह बंजर होती है और वातावरण बेजान होता है, पर यूरोपा हमारी इसी परिकल्पना को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है, क्योंकि बृहस्पति के इस चंद्रमा की सतह बर्फ की एक बहुत ही मोटी चादर से ढकी हुई है। और मोटी से हमारा तात्पर्य है कि ये बर्फ तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर तक ठोस आकार में इसकी सतह के ऊपर जमी हुई है, और बर्फ की इसी अत्यधिक मात्रा के चलते इसकी सतह का औसतन तापमान तकरीबन -160 डिग्री सेल्सियस के आसपास आका जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ठंडी जगह से भी लगभग 2 गुना ज्यादा ठंडी है। और इन सब के बीच बर्फ की यही परत अपने अंदर रहस्यों का एक बड़ा सा खजाना छुपा कर बैठी है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये 15 से 25 किलोमीटर तक की मजबूत बर्फीली परत के नीचे एक विशालकाय जलाशय स्थित है, जिसका पानी आज भी बर्फ के नीचे हरकत कर रहा है और इस चंद्रमा पर जीवन के पनपने की एक और वजह दे रहा है। इस बर्फ के नीचे दबे समुद्र के बारे में पता लगाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि आम तौर पर जुपिटर के चारों ओर स्थितियां बड़ी गंभीर रहती हैं, जिसके कारण उसके आसपास की किसी भी वस्तु के बारे में कोई ठोस जानकारी जुटा पाना किसी और ग्रह से कई गुना मुश्किल बन जाता है। पर सालों के कठिन परिश्रम के बाद और बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिकों ने अंततः ये पुष्टि कर ही दी कि उस बर्फीली चादर के नीचे कोई छोटा मोटा जलाशय नहीं, बल्कि उसके नीचे तो एक असीमित महासागर मौजूद है, जिसकी गहराई तकरीबन 60 से 150 किलोमीटर तक नापी जाती है, जो कि हमारी धरती पर उपस्थित सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच से भी कई गुना ज्यादा गहरी है। ऊपर बर्फ की परत और नीचे महासागर की उपस्थिति सिर्फ इस चीज की ओर संकेत कर रही है कि यूरोपा की गहराइयों में जीवन का एक रहस्यमय रूप मौजूद है, जिसे हम इंसानों को अभी भी खोजने में वक्त लगेगा। पर फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर इसका आकलन करने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा पर जीवन अभी भी अपने सूक्ष्म स्तर पर ही होगा, और अगर हम लोग यूरोपा के सबसे विशालकाय जीवों की भी चर्चा करें तो उनका आकार भी किसी सामान्य मछली से ज्यादा नहीं होगा। क्या हम इंसान अपने अगले घर के रूप में यूरोपा को देख सकते हैं या नहीं? यूरोपा का तापमान किसी भी मनुष्य के सहने योग्य नहीं है। यूरोपा पर ऑक्सीजन तो उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ की ऑक्सीजन इतनी पतली है कि हम इंसान उसके सहारे सांस नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा यूरोपा पर बृहस्पति की भारी रेडिएशन सीधे असर करती है, और ये रेडिएशन इस स्तर तक हानिकारक है कि ये यूरोपा की सतह पर मौजूद हल्के फुल्के पानी को भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देती है, और इसी कारण इन वजहों से अभी के लिए यूरोपा पर किसी भी तरह से इंसानों का जीवित रह पाना असंभव माना जा सकता है। यूरोपा में बर्फीली सतह के नीचे धरती से भी 2 गुना ज्यादा पानी की मात्रा मौजूद है, जिसको लेकर वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि वो सारा पानी पीने योग्य है। हालांकि अभी तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह को लेकर ही अपनी सभी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, पर हमें यकीन है कि एक न एक दिन
ऐसा जरूर आएगा जब हम इंसानों का यही ध्यान यूरोपा की ओर भी उत्सुकता से आकर्षित होगा और यूरोपा की ओर भी हमारा कोई अंतरिक्ष यान इंसानों को लेकर जाने के लिए तैयार हो रहा होगा। वैसे अगर आपको कभी यूरोपा में जाने का मौका मिले तो क्या आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।